अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से और खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ में आज मैं आपको टेंसेस का कॉन्सेप्ट देने जा रही हूँ। इससे पहले सीरीज़ में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर किया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैंने 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया था, जिसमें मैंने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सीरीज़ कर दी थी, जिनका आपस में एक दूसरे से लिंक था पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो उनको मैंने सीरीज़ वाइज कैटेगराइज किया था, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव का आपस में एक दूसरे के साथ जब लिंक है तो इसको सीरीज़ नंबर 1 में डाला था, और उनका 1 by 1 लेक्चर जो है मैंने सेपरेटली दिया है। तो आप चाहें तो मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं और उन वीडियोस को देख सकते हैं। और मेरा असल में मकसद आप लोगों को आसान अंदाज में आपकी अपनी जबान में इंग्लिश लैंग्वेज सिखाना है। ये तमाम डिटेल्स और डिस्कशन मेरी प्रीवियस वीडियोस में हो चुकी हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि आप लोगों को अगर इंग्लिश लैंग्वेज आसान अंदाज में सीखनी है, बुनियाद से, बेसिक से, और ग्रामर सीखनी है, ग्रामर के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो आप जो है मेरे चैनल को विजिट करें और मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखें, तो इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टेंसेस। और टेंसेस का मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन या थीम कह लें, आपको मैं थीम या उसका इंट्रोडक्शन दूंगी। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं कि हाउ मेनी टेंसेस डू वी हैव, हमारे टोटल कितने टेंसेस हैं, तो जैसे कि बचपन में अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझसे अगर सवाल किया जाता था, जब मुझे इतनी बेसिक्स या ग्रामर नहीं पता थी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई चाइल्डहुड, तो उसमें अगर आपसे बच्चों से ज़्यादातर जवाब पूछा जाए तो मैं आपको बताती हूँ, और आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो अभी भी यही जवाब देंगे। अगर आप में से किसी से भी ये सवाल पूछा जाए कि हाउ मेनी टेंसेस डू वी हैव, तो अचानक से अक्सर औकात हमारे जहन से दो ही जुमले निकलते हैं, या तो हम कहते हैं 3, देयर आर 3 टेंसेस, या समटाइम्स कुछ लोग 4 कह देते हैं कि 4 टेंसेस हैं। ठीक है, तो मैंने भी बचपन में 3 कहा था, मैं 3 कहती थी कि 3 टेंसेस हैं, 3 टेंसेस हैं। अच्छा, वो क्यों, क्या, वो सब मैं आपको अभी बताती हूँ। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ना तो हमारे 3 टेंसेस हैं, ना ही हमारे 4 टेंसेस हैं, हमारे टोटल 12 टेंसेस हैं। जी हाँ, बेसिक जो हमारे 12 टेंसेस जो टेंसेज हैं वो 12 हैं। 12 हमारे बेसिक टेंसेज हैं, जिन्हें हम एक्टिव सेंटेंसेस या एक्टिव टेंसेज भी कह लें। फिर पैसिव वॉइस अलग होता है, एक्टिव और पैसिव वॉइस का भी आपने नाम सुना होगा। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, बिकॉज के आई कैन नॉट डू एनीथिंग। एनीवेज, लेट्स कैरी ऑन। अच्छा, तो टेंसेस जो हैं वो 12 हैं टोटल, और वो 12 जो हैं वो कैसे हैं, क्या हैं और क्यों हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज इसी वीडियो में बताऊंगी। लेकिन इससे पहले आपको यही बता दूं कि ना हो तो हमारे 3 टेंसेस होते हैं, ना 4 टेंसेस होते हैं, वी हैव ऑल टुगेदर 12 टेंसेस, और इन्हें हम एक्टिव टेंसेस भी कहते हैं। ये बात आपको समझ आ गई। और मैं हमेशा कहती हूँ, आपको प्रीवियस वीडियो में भी कह चुकी हूँ, अभी भी कह रही हूँ, कि प्लीज़ आप लोग जो हैं नोटबुक और पेन अपने साथ रख लें और मेरे की पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते रहा करें। तो टेंसेस 12 कैसे हैं इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो एक्चुअली होता यह है कि वी हैव गॉट 3 एरास। हमारे जो ज़माना है, जो ज़माने हैं वो 3 हैं। 3 जो है वो हमारे ज़माना है, यानी कि एरा आप कह लें। एरा जो है हम ज़माने को कहते हैं, जिसमें आ जाता है हमारा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो अक्सर औकात जो हम गलती करते हैं, जो टेंसेस को हम जो लिंक कर देते हैं, वो हम ज़माने से यानी कि एरा से लिंक कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे 3 ज़माने हैं, टेंसेस 3 नहीं हैं, और उन ज़माने की आप कह लें ब्रांचेस या काइंड्स जो हैं वो 4 हैं। अब वो जो ब्रांचेस और काइंड्स जो हैं वो कौन सी हैं, सिंपल टेंसेस, कंटिन्यूस टेंसेस, परफेक्ट टेंसेस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये हमारी 4 जो हैं वो काइंड्स या ब्रांचेस हैं हमारे टेंसेस की। टोटल हमारे 3 एरा, आई होप यू पीपल विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, कि वी हैव गॉट 3 एराज लाइक प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, एंड देन वी हैव गॉट 4 ब्रांचेस और काइंड्स ऑफ दिस एरा। दोज आर सिंपल टेंसेस, प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस टेंसेस, एंड देन परफेक्ट, एंड देन परफेक्ट कंटिन्यूस और परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अब ये प्रोग्रेसिव क्या है, तो जो प्रोग्रेसिव टेंसेस हैं, जो कंटिन्यूस हमारे टेंसेस होते हैं, उन्हें हम प्रोग्रेसिव टेंसेस भी कहते हैं। तो हम चाहें तो हम कंटिन्यूस टेंसेस कह लें उन्हें, या प्रोग्रेसिव टेंसेस कहें, बोथ हैव गॉट द सेम मीनिंग और सेम कॉन्सेप्ट।
यहाँ तक क्लियर हो गया बात। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने आपसे कहा तीन ज़माने, चार हमारी ब्रांचेस, तो वो जो तीन चारों ब्रांचेस या काइंड्स हैं वो हमारे तीनों ज़मानों के साथ लगेंगी, तो हमारे 12 टेंसेस हो जाएंगे। यानी कि प्रेजेंट हमारा जो एरा है उस प्रेजेंट में वो चारों ब्रांचेस लग जाएंगी। जैसे कि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम एज इट इज वी विल टॉक अबाउट पास्ट टेंस, देन पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एंड इफ यू टॉक अबाउट फ्यूचर टेंसेज, तो सेम एज इट इज वील बी हैविंग फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो इस तरीके से जो है हमारे 12 टेंसेस हो जाते हैं। अब वो 12 टेंसेस एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। 12 टेंसेस की अपनी एक अलग डेफिनेशन, अपनी एक अलग पहचान है, अपने अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अपने अलग फॉर्मूलाज हैं। तो अब जो मैं सीरीज इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगी वो मैं आप लोगों को टेंसेस सिखाऊंगी बिल्कुल बेसिक से और बहुत ही आसान अंदाज में। यानी कि बहुत कई बार ऐसा होता है कि हमें जो है ग्रामर या टेंसेस में या पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम प्रॉब्लम कर जाते हैं, हमें समझ नहीं आता, जिसकी वजह से हम सारी ज़िंदगी ग्रामर में मुश्किलात का सामना करते रहते हैं। जब हमारी बेसिक ग्रामर जो बुनियाद है वो मजबूत होगी तो हमें कॉन्फिडेंस होगा अपनी इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान। यानी कि अगर समटाइम्स जो है इट्स ऑल अप टू यू कि आप स्पोकन स्ट्रक्चर या स्पोकन इंग्लिश के अंदर आप ग्रामर फॉलो करते हो या नहीं करते हो। कई बार ऐसा होता है कि जो हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं वो विदाउट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ग्रामर होता है, जो हमारी वर्बल इंग्लिश या स्पोकन इंग्लिश होती है। लेकिन अगर आप रॉयल इंग्लिश या जो एक्चुअल इंग्लिश है, जो ब्रिटिश इंग्लिश या जो भी आप एक्चुअल इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ अगर आप बोलेंगे तो आप इट इज़ रियली बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस में या जॉब पर्पज़ के लिए आपको जो है इंग्लिश पूरे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन से ही बोलनी पड़ती है। तो आपकी ग्रामर मजबूत करने के लिए जो बेसिक और बुनियाद है, तो उसके लिए मैंने अपने चैनल पे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की आसान अंदाज की सीरीज शुरू की है, जिसमें मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर अप कर रही हूँ बहुत आसान अंदाज में, बहुत ईजी वे में। आपको आपकी अपनी जबान उर्दू लैंग्वेज में और हिंदी लैंग्वेज में आपको समझाया है, आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। और उसके अभी जो है और वीडियोज़ भी उसकी आएंगी, कुछ पार्ट्स रह गए हैं। उसके साथ साथ अब टेंसेस बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे पूरे बेसिक इंग्लिश ग्रामर के अंदर। तो टेंसेस का जो है वो आप मैं सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, तो ये मैं आपको इसके लिए एक वीडियो इसीलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि आज मैंने आपको टेंसेस की बुनियाद, टेंसेस का थीम देना था कि हाउ मेनी टेंसेस डू वी हैव, व्हाट आर एरास, व्हाट आर द ब्रांचेस और काइंड्स ऑफ द टेंसेस, और इसके साथ साथ किस तरीके से जो है वो 12 टेंसेस होते हैं। यानी कि मैं आपको बताती हूँ, वी हैव गॉट 3 एरा, वी हैव गॉट 4 ब्रांचेस, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12, वाई इज दैट सो, बिकॉज कि वो जो तीनों वो जो चारों ब्रांचेस या काइंड्स हैं वो हमारे तीनों एरा के साथ लगेंगी, और ये एग्जाम्पल मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। तो इंशाल्लाह ताला वन बाय वन तमाम 12 के 12 टेंसेस यानी विद काइंड्स मैं आपको इंशाल्लाह अपनी आपकी अपनी आसान अंदाज, आसान आपकी अपनी लैंग्वेज में मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगी उसके फॉर्मूलाज, उसकी चीज़ें, उसकी बेसिक्स। तो आप मेरी वीडियो को देखते रहें, और आपको पसंद आ रही है, समझ आ रहे हैं मेरे लैंग्वेज कोर्स और मेरे लेक्चर्स, तो काइंडली कमेंट करके भी बताएं, इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, काफ़ी इंकरेजमेंट होती है। और काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल इनकरेजमेंट के लिए, हौसला अफजाई के लिए, और साथ साथ जो है मेरी और बेटरमेंट के लिए, क्योंकि इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में मैं और वीडियोस और चीज़ें प्लान कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया है, तो आप लोगों की सिर्फ इतनी सी सपोर्ट के अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं, कॉन्टेंट पसंद आ रहा है, तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल एज काइंडली सजेस्ट माई चैनल टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल, जो लोग लैंग्वेज कोर्स बेसिक सीखना चाहते हैं, जिन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अपनी लाइफ में, जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह नहीं जा सकते या नहीं जा पाते अपने कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से, या क्वेश्चन नहीं कर पाते, तो आपके इन तमाम मसलों का हल यहीं पर मौजूद है, इसी चैनल पे आपके इन तमाम मसलों का हल मिलेगा इंशाल्लाह ताला। आपकी सेल्फ काउंसलिंग भी की जाएगी, आपको कोई इशू है काइंडली आस्क मी, कॉमेंट मी, आई एम जस्ट टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, यू कैन जस्ट आस्क दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन इफ़ यू वॉन्ट टू बी काउंसल्ड, सो यू कैन जस्ट लेट मी नो एंड आई जस्ट ट्राई टू हेल्प यू आउट एज वेल इंशाल्लाह ताला। So I will catch you in my next video. Till then, take care of yourself. As I always say, take care of the people of your surrounding. Stay positive. Be blessed. Allah Hafiz.